यूट्यूब की तरफ से एक बड़ा ही खतरनाक सा अपडेट आया है कि अब सभी के सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही सुना आपने। और जितनी बड़ी चैनल होगी समझ लीजिए उनके उतने ही ज्यादा सब्सक्राइबर डिक्रीज हो जाएंगे। तो हाय एवरीवन, मैं हूँ रक्षा, आप देख रहे हैं रक्षा की रसोई टेक। आज का अपडेट है बहुत ही स्पेशल। अपडेट पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और शेयर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, होता क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ चीजों का समझना जरूरी है, तब आप पूरी बात समझ पाएंगे। देखिए, जब हम YouTube पर आते हैं तो धीरे धीरे हम साल दो साल बाद ग्रो करते हैं। तो पहले हमारे थोड़े सब्सक्राइबर होते हैं, फिर धीरे 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 बढ़ते जाते हैं। तो जैसे मैंने मान के चलिए 2017 में अपनी चैनल क्रिएट करी थी, तो कुछ सब्सक्राइबर मेरे 2017 के हैं, कुछ 18 के हैं, कुछ 19 में जुड़े हैं, कुछ 20 में जुड़े हैं, रिसेंटली अभी तक जुड़ते जा रहे हैं डेली के डेली। बट जो पुराने सब्सक्राइबर होते हैं उनमें से कई सब्सक्राइबर ऐसे होते हैं जो हमारी यूट्यूब चैनल को कभी खोलते ही नहीं है, या उस जीमेल आईडी को, जीमेल अकाउंट को कभी लॉग इन ही नहीं करते। या कई लोग तो ऐसे होते हैं कि एक मोबाइल से 10-10 20-20 आईडी बनाए रहते हैं, उनसे कई चैनल को सब्सक्राइब किए रहते हैं, सारी एक्टिविटी करते हैं, बट वो मोबाइल चेंज कर देते हैं, या फिर कभी ऐसा आता है कि वो उस मेल आईडी का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। तो अब गूगल का एक अपडेट आया है कि अगर आप किसी मेल आईडी को 2 साल तक इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो मेल आईडी आपकी डिलीट कर दी जाएगी। कब से? 1 दिसंबर 2023 से, ठीक है, मतलब अभी के दिसंबर से, 1 दिसंबर से। तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आप कहेंगे रक्षा मेल आईडी डिलीट होनी है हमारे चैनल पे, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सब्सक्राइबर कैसे कम होंगे? बिल्कुल होंगे। जैसे हम यूट्यूब चैनल पे कोई भी वीडियो देखते हैं, अपलोड करते हैं, किसी का भी वीडियो देखते हैं, तो वो मेल आईडी के थ्रू जाकर ही हम देखते हैं, ठीक है, सारी एक्टिविटी मेल आईडी से ही करते हैं। तो जब वो मेल आईडी आपकी डिलीट हो जाएगी तो वो एक सब्सक्राइबर आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यूट्यूब लाखों करोड़ों लोगों की मेल्स को डिलीट करने वाला है। यूट्यूब का कहना है कि हम फालतू की मेल्स नहीं भरेंगे, इतना हम अपना जो डेटा है भरे रहते हैं फालतू का, आप लोग यूज कर नहीं रहे हो, पता नहीं कितनी आईडी बना के रखी हुई है। तो यही अपडेट है। तो जो आपके सब्सक्राइबर है जिन्होंने 2 साल से अपनी मेल आईडी को लॉग इन नहीं किया है, उनमें से बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर होते हैं जो मेल आईडी बना लेते हैं बट उनका इस्तेमाल नहीं करते। अगर मैं अपनी बात करूं, आपको समझाऊं, तो मैंने एक मोबाइल में 10-10 मेल आईडी बनाई, पर वो मेरा मोबाइल खराब हो गया, मैंने दूसरी ले ली, फिर उसमें नई बना ली, तो इस तरीके से वो मेल्स मेरी बेकार हो गई, ठीक। और उनसे मैं काफी चैनल को सब्सक्राइब भी किए हूँ। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपके जो सब्सक्राइबर है जिन्होंने 2-2 साल से मेल का इस्तेमाल नहीं किया है, मेल आईडी का, उनकी सारी मेल आईडी डिलीट हो जाएंगी। इसकी वजह से आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर डाउन हो जाएंगे। बट यहाँ पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। क्यों नहीं है? आपके सब्सक्राइबर की काउंटिंग कम हो जाएगी लेकिन व्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी डेड हैं, वो इस्तेमाल कर ही नहीं रहे, तो उन मेल आईडी से आपकी वीडियो को देखा ही नहीं जा रहा, वो व्यूज काउंट होता ही नहीं है। तो फालतू का है, केवल नाम के वो सब्सक्राइबर है हमारे जो कि यूट्यूब हटाने वाला है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, लेकिन काफी हद तक कम हो जाएंगे। जैसे अगर मेरे 7 मिलियन है तो हो सकता 1-2 लाख ऐसे हों जिनकी मेल से इस्तेमाल ही ना होती हो 2 साल से, तो वो मेरे सब्सक्राइबर डाउन हो जाएंगे। तो सभी चैनल के होंगे सब्सक्राइबर डाउन, ये तो बाद में ही पता चलेगा, छटनी करेगा जब यूट्यूब के किसके कितने ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने इन मेल्स का इस्तेमाल नहीं किया है। और आपके लिए एक सलाह देना चाहूंगी, अगर आपकी भी कुछ मेल्स ऐसी हैं आपने 2-2 साल से इस्तेमाल नहीं करी है, तो अभी मौका है उसे, चाहे आप कोई मेल भेज दीजिए या आप कोई उसमें कोई वीडियो अपलोड कर दीजिए चैनल बना करके, या कोई भी एक्टिविटी उस मेल आईडी के थ्रू कर लीजिए, उसको लॉग इन जरूर कर लीजिए, थोड़ा बहुत उसमें वर्क कर लीजिए ताकि आपकी मेल आईडी डिलीट ना हो पाए। तो बस ये था एक छोटा सा अपडेट, आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक शेयर। फिर मिलते हैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।